चीयर्स बॉयज, हैप्पी चेस्ट डे। कल परसों और आज हमने 69 केजीज का जो वेट प्लेटो है वो फाइनली ब्रेक किया है और आज हम इस प्रेप के ऑल टाइम लो बॉडी वेट पे उठे जो था 68.5। व्हाट्स क्रेजी इज हमारे कैलोरीज इस पूरे प्रेप में एक दिन भी 2000 के कम नहीं गिरे हैं। अभी हम इस बॉडी कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने के लिए 6 दिनों पे 2200 कैलोरीज और एक दिन पे 2300 कैलोरीज खा रहे हैं एंड मैं बॉडी को सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स दे रहा हूँ जिससे मुझे थ्रू आउट द डे सफिशेंट एनर्जी है एंड माय बॉडी इज़ डूइंग इट्स मैजिक। सो जस्ट वांट टू शो यू गाइस कि अगर आपका वेट कुछ दिनों के लिए कम नहीं हो रहा, सडनली कैलोरीज को ड्रॉप मत करो। एक्टिविटी लेवल या कार्डियो बढ़ाना हमेशा एक बेहतर ऑप्शन होगा एंड इन द एंड जस्ट गिव योर बॉडी द टाइम दैट इट नीड्स टू चेंज, बिकॉज फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, कोई भी चीज़ एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। एंड इस पूरे प्रेप के जो पहले 4 हफ्ते गए वो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल था, बिकॉज मेरे दिमाग में बहुत फूड ओरिएंटेड थॉट्स आ रहे थे। मैं यूट्यूब पे बहुत ही कुकिंग वीडियोस, रेसिपी वीडियोस, ये सब बहुत ही ज़्यादा देख रहा था। बट नाउ मेरा जो पीस ऑफ माइंड है वो इतना स्टेबल और इतना स्मूथ है दैट नथिंग बॉदर्स मी। कोई क्रेविंग्स नहीं आते, कुछ हंगर के साथ मेरे डेली बैटल्स नहीं आते। आई एम जस्ट इन द मोमेंट एंड गोइंग थ्रू द प्रोसेस। अब इसके पीछे का रीज़न है कि हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस या इक्विलिब्रियम की जो स्टेट होती है वो हमारे बॉडी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रेप स्टार्ट होने के पहले मैं हर दिन 3000-3200 कैलोरीज, इतना हाई कैलोरी इनटेक कंज्यूम कर रहा था और हफ्ते में 2 या 3 बार बाहर का खाना खा रहा था। इसीलिए मेरे बॉडी को उस स्टेट की इतनी आदत हो गई थी दैट चेंजिंग इन टू द माइंड सेट वेर आई एम एट राइट नाउ उसके लिए काम रखता है। बट वंस यू गेट देयर इट्स ईजी टू मेंटेन। सो इफ आई कैन डू इट सो कैन यू। स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते बहुत ही मुश्किल हो सकते हैं बट गेट थ्रू इट बिकॉज इट्स वर्थ इट। मुझे अभी जो फीलिंग आ रही है, जो मेंटल पीस, विल पावर, सैटिस्फैक्शन आ रहा है, दैट कांट बी पुट इन टू वर्ड्स। ये आपको एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। और इवन दो हमारा वजन कम हो रहा है, आज मुझे एक गट फीलिंग आ रही है कि मुझे फाइनली इनक्लाइन स्मिथ मशीन पॉज बेंच पे 6 नहीं बल्कि 7 रेप्स मिलने वाले हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मेरे और अवधूत के बीच में एक फ्रेंडली कॉम्पिटिशन चल रही है जहाँ पर मैं 95 kgs फॉर 6 पे अटकाऊँ, अवधूत 30 kg डम्बल्स 6 रेप्स पे अटका है। सो अगर आज मुझे 7 जाते हैं, अवधूत का और मेरा 4 डे स्प्लिट मैच हुआ है, विच मीन्स आफ्टर टुडे वो घर जाके चेस्ट ट्रेन करेगा, करेक्ट, चेस्ट एंड शोल्डर्स। बट आई थिंक आज जाएगा, आई थिंक। लास्ट टाइम बहुत क्लोज था, लास्ट वर्कआउट आई थिंक तब था जब सिंघा आया था। सो वो जो एक्स्ट्रा लॉकआउट का पोर्शन है आई थिंक आज जाएगा। इट्स ऑल इन हियर। इवन दो हम डेफिसिट में है, एक कैलोरी डेफिसिट में पुशिंग मूवमेंट्स पे स्ट्रेंथ बढ़ाना या मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है बिकॉज आई फील लाइक OHP और बेंच प्रेस, ये दोनों मूवमेंट्स आपके बॉडी वेट से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन में रहता है। सो अगर बॉडी वेट ऊपर जा रहा है तो यूजुअली OHP और बेंच प्रेस भी ऊपर जाता है। सो व्हेन यू आर एक्चुअली इन अ डेफिसिट एंड लूजिंग वेट, इन दोनों मूवमेंट्स पे एक एक रेप ऐड करना ये भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क बनता है। सो यूजुअली अगर मुझे हर सेशन में एक प्लस वन मिलता, मे बी हर 3 या हर 4 सेशंस के बाद एक प्लस वन मिलेगा। बट दैट्स द मस्ती पार्ट ना ऑफ द प्रोसेस। सबके प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। डेफिसिट में द बिगेस्ट प्रो इज कि मैं हर सुबह उठ के इतना अच्छा दिखता हूँ। सो कुछ सैक्रिफाइसेस बनाने पड़ते हैं बट एट द एंड इट्स ऑल वर्थ इट। सब एन्जॉय करो। दिस इज इट, आज जाने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। इसके पहले का जो वार्म अप था वो 80 kgs था एंड इट फ्लू अप रॉकेट शिप जैसे आसमान में जाती है ना, वैसे इट शॉट अप। सो इल गो, कोई म्यूजिक नहीं। One more. push. Come on, man. Stupid deficit.
चलो नेक्स्ट टाइम। पर इम्प्रेसिव चीज़ पता है क्या है, जब मेरा बॉडी वेट 71 kg था प्रेप के स्टार्टिंग के हफ्तों में, तब मैं सेम बेंच करता था एक पॉज के साथ, और आज 3 kg डाउन अगर मैं सेम बेंच कर सकता हूँ, इसका मतलब मैंने जो भी टिश्यू इस मेंटेनेंस या सरप्लस फेज में बिल्ड किया था वो मैंने आज सारा मेंटेन किया है, स्लैश आई मे हैव इवन बिल्ड सम। तो वो है इस पूरे चीज़ का पॉजिटिव। मैं ज़्यादा अपसेट नहीं होने वाला, एट द एंड ऑफ द डे वो सेट कंप्लीट फेलियर तक था एंड आई गिव इट माय ऑल। Not done yet. जाएगा। नाइस। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रॉम कुनाल फारले, आर 2 sets इनफ टू बिल्ड मसल मास? मैंने कल इंस्टाग्राम पे किसी का पोस्ट देखा जहाँ पर एक सैम्पल चेस्ट वर्कआउट था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिकॉज अगर कोई भी एक वर्कआउट प्लान बनाता है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हर एक्सरसाइज और हर सेट के पीछे का इंटेंशन क्या है। इफ़ दैट पर्सन कैन टेल मी कि ये मैंने प्रोग्राम में इसीलिए डाला है, तो मैं मान जाऊँगा इफ़ इट इज़ लॉजिकल। पर लोगों के यूजुअल चेस्ट डेज इसके 4 सेट 12-15, 15-20 ऐसे कुछ भी लिख देते हैं, बिकॉज इट सेल्स। लोगों को लगता है कि वाह यार कुछ यूनिक है, मैं भी ट्राई करूँगा तो मुझे भी रिजल्ट्स मिलेंगे। पर हम इंटेंसिटी ओवर वॉल्यूम ये अप्रोच इसीलिए फॉलो करते हैं बिकॉज 99% ऑफ पीपल इन द जिम डोंट गिव ईच सेट इनफ इंटेंसिटी एंड दे डोंट पुश इट अंटिल ट्रू मस्कुलर फेलियर। अगर मैं एक बिगिनर को चेस्ट के 16 सेट्स करने के लिए दूंगा तो आई प्रॉमिस यू उनमें से मे बी एक सेट या मैक्स टू मैक्स 2 sets एक्चुअल इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म किए जाएंगे। हमारा अप्रोच कम्प्लीटली अलग है। मैं लोगों को यूजुअली 2 या मैक्स टू मैक्स 3 एक्सरसाइजेस पर मसल ग्रुप पिक करने के लिए बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सिंस हम आज चेस्ट लगा रहे हैं, एक इंक्लाइन प्रेस, एक फ्लैट प्रेस और एक फ्लाई। इसके कॉम्बिनेशन से अगर मैं एक बिगिनर को हर एक्सरसाइज के 2-2 सेट लगाने के लिए बोलूँगा तो उसके दिमाग में ये होगा आज चेस्ट ट्रेन करने के लिए मेरे पास सिर्फ हर एक्सरसाइज के 2 sets अवेलेबल है, आई एम गोइंग टू पुश देम सो हार्ड दैट एवरीबडी इज़ गोइंग टू लुक एट मी मेकिंग फनी फेसेस। अगर ये मैंटेलिटी किसी बिगिनर ने मास्टर की, देन दैट पर्सन कैन इंक्रीज क्वान्टिटी एंड अप्लाई द सेम इंटेंसिटी टू मोर नंबर ऑफ सेट्स। इसीलिए हाँ, इन माई ओपिनियन 2 sets पर एक्सरसाइज इज़ अ फैंटास्टिक वे टू बिल्ड मसल, प्रोवाइडेड कि आप वो सेट मस्क्यूलर फेलियर तक लेके जा रहे हो एंड मे बी इन द एंड थोड़े से पार्शल्स भी लगा रहे हो। इससे आपकी रिकवरी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी और अगले सेशन के पहले आप 100% रिकवर्ड होगे एंड योर PRs आर गोना शूट अप। आई प्रॉमिस यू ये जो मेथड है एटलीस्ट 8 हफ्तों के लिए ट्राई करो और आपके सारे ट्रेनिंग सेशंस में जो नंबर्स है वो ट्रैक करो। आई प्रॉमिस यू 2 months लेटर आपके सारे PR शैटर होने वाले हैं। और अगर आप अभी 60 kg 8 reps के लिए बेंच कर सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कांट यू बेंच 100 kg? इट्स बिकॉज योर चेस्ट इजंट हाइपरट्रॉफीड इनफ। अगर आप 3 महीने के बाद 100 kg फॉर 8 reps बेंच कर सकते हो, आपके चेस्ट में वो रिफ्लेक्ट होगा। इंटेंसिटी ओवर वॉल्यूम ऑलवेज। आज के चेस्ट डे की दूसरी मूवमेंट है मशीन चेस्ट प्रेस। इस पे हमने लास्ट टाइम 89 किया था, आज भी वही करेंगे विद बेटर टेक्निक, बेटर पॉजेस एंड हार्डर इंटेंसिटी। Not done yet. Yep. 3 partials. Yep.
Not done yet. Not done yet, partials. Train that hard, आपको 20 सेट नहीं लगेंगे, वाट लग जाएगी 6 सेट में. Idiots. आज का दूसरा क्वेश्चन है from StayX01. I feel very uncomfortable after bulking. Does this happen to you as well? I feel fat. Yes, it happens to me. मेरी पर्सनली लीन रहने से और लो बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन करने से अपने मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. द लीनर आई एम द हैप्पियर आई फील. अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपको बल्क करते वक्त मोटा होना ये मसल बिल्ड करने के लिए नेसेसरी है. आई हैव पर्सनली नेवर फेल्ट दैट वे. और अगर आप मिस्टर ओलंपिया क्रिस बम्सटेड को देखोगे या कोई भी ओलंपिया कंपेटिटर्स को देखोगे, वो बल्क किस पॉइंट तक करते हैं ये अच्छे से ऑब्जर्व करो. सबसे पहले स्टेज पे कम्पीट करते वक्त उनका बॉडी फैट परसेंटेज 4-5% तक चला जाता है. अब ऐसे लो बॉडी फैट परसेंटेज पे हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, इसीलिए दे नीड टू बल्क. बट टिल वॉट पॉइंट डू दे बल्क? वो यूजुअली अपने ऑफ सीजन में भी एक फुल सिक्स पैक मेंटेन करते हैं. येस, दे गेट सॉफ्टर अराउंड द मिड सेक्शन, बट दैट डजेंट मीन कि वो ओबीस बन जाते हैं. वो अपना बल्क मे बी 11-12% बॉडी फैट तक लेके जाते हैं. एंड वंस दे आर एट दैट पॉइंट, जब उनके सारे हॉर्मोन्स नॉर्मलाइज होते हैं, वो पूरे साल वो बॉडी फैट परसेंटेज होल्ड करते हैं एंड दे मेन गेन फ्रॉम देयर. ये लोगों को समझ में नहीं आता. पर्सनली इन पिछले 2 सालों में मैं जब एक सरप्लस में खा रहा था, मैंने एक बार भी 12% बॉडी फैट एक्सीड नहीं किया. मेरे टॉप 4 एब्स, बॉटम 2 स्लाइटली फेडेड, ऐसी मेरी कंडीशन पूरे साल भर थी. इसीलिए अगर आपके अपने बॉडी के साथ एक काइंड ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप है, इफ़ यू हेट बिकमिंग फैट देन डोंट बिकम फैट. आप खुद को साल भर एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज पे लाओ, जहाँ पर आपका जिम परफॉर्मेंस अच्छा है, आपके थ्रू आउट द डे एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं और आपके सारे हॉर्मोन स्टेबलाइज्ड है. वंस यू आर एट दिस पॉइंट, यू डोंट नीड टू बिकम एनी फैटर टू पुट ऑन मसल. मेंटेन दिस बॉडी कॉम्पोजिशन, ईट एट वॉट एवर कैलरीज यू आर ईटिंग एट, एंड मेक श्योर आपका जिम परफॉर्मेंस ऊपर जा रहा है. यू विल बिल्ड मसल, गारंटीड. सो फार चेस्ट के 4 सेट्स हुए हैं, 2 मोर आर लेफ्ट. जो फ्लाइज होंगे वो मैं एंड में करूँगा. उसके पहले मुझे आज के शोल्डर की कंपाउंड मूवमेंट फिनिश करनी है, जस्ट सो दैट आई एम स्लाइटली मोर फ्रेशर. 4 हार्ड सेट्स फॉर शोल्डर्स एंड वी आर डन. Partials. Not done yet. Yeah, complete 100% muscular failure. Front delt ki vaat lag gayi hai. Yeah, I can't move. Done. Solid. Aisa nahi laga ki I held back. Aisa nahi laga ki aur 2-3 reps bache the. I gave this everything I had. Imagine ki wo aapke mentality ke liye kitni madad karega. Issue pata hai kya hai? Logo ko knowledge gain karna pasand nahi hai. कभी एक्सप्लोर ही नहीं करते. अगर आपको सिर्फ हिंदी आता है, आप सिर्फ इंडियन फिटनेस यूट्यूब से एक्सपोज हो. व्हाट इफ यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश? बाहर अब्रॉड कितनी साइंटिफिक, कितनी वास्ट इंफॉर्मेशन है. इंडिया इज़ वेरी बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ फिटनेस नॉलेज इन माई ओपिनियन. और वही चीज़ मुझे बदलनी है, क्योंकि मैं दिन भर इसी से ऑब्सेस्ड हूँ. मैं रिसर्च करता रहता हूँ,
अलग अलग पॉडकास्ट देखता हूँ अबाउट ट्रेनिंग मेथड्स, न्यूट्रिशन, रिकवरी, और फिर आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ. सो देयर इज़ अ रीज़न कि 6 सालों के ट्रेनिंग में ऐसी फिजीक बनी है. दे वांट लाइंग व्हेन दे सेड नॉलेज इज पावर. Not done yet. Not done yet. Partial one. Partial two. Oh my god. छह सेट्स बस, सिर्फ 6 सेट्स में वर्कआउट खत्म. भाई डिक्लाइन नहीं किया भाई, अपर चेस्ट को आइसोलेट नहीं किया. क्या भाई पुशअप्स, क्या भाई, कैसे भाई 6 सेट्स में, कैसे भाई, नॉट नैटी. That is why. Not done yet. Partial one. Partial two. Not done yet. Last set. Best set. Let's go home. 6 hard sets of chest, 4 hard sets of shoulders. Result. Aftermath. Destroyed. Oh. Yeah. I think ये definitely, this is the leanest I've been. और आई थिंक अभी हम सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे है. तुला क्या वाटता हूँ? आई थिंक अभी सिंगल डिजिट बॉडी फैट, आई थिंक 9. यार डेफिनेटली सही ट्राई सर. Yeah. Sorry. Oh yeah, yeah. Feathering dikh raha hai. Yeah, definitely single digit now. Mm-hmm.
माइल्ड ये है जो मैं यूज़ करता हूँ, फ्रेंच रोस्ट डार्क। ऐसे अगर मीडियम मिलेगा ना तो फिर तो वो ले सकता है, आई थिंक ये मीडियम दिस शुड बी गुड, पर मैंने ट्राई नहीं किया सो रिस्क है। ट्राई कौन सा किया था? मी ही के लिए, ही बेस्ट है रे संत है वहीं से तो। हाँ सेफ सेफ सही आणि जास्त कडू नको असेल तर मग कमी बॉईल कर। हाँ हम आ गए हैं दुराब चीज में। आजकल सब कुछ 24 फ्रेम्स में शूट हो रहा है। ग्रोसरी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, घर जाके आप लोगों को सब कुछ दिखाता हूँ। सो हम एक बहुत ही बड़ा ग्रोसरी हॉल करके वापस घर आ गए हैं। मैं यूजुअली दुराब चीज दो दिनों में एक बार जाता हूँ, सो एवरी ऑल्टरनेट डे, और मैं उतनी नेसेसरी चीज़ें लेके आता हूँ सो दैट आई हैव टू मेनटेन दैट फ्रीक्वेंसी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो चिकन ब्रेस्ट है, यानी 2 pieces ऑफ चिकन ब्रेस्ट, वो चिकन ब्रेस्ट के टुकड़े मुझे आज और कल के लिए काफ़ी होंगे। टोटल वेट की अगर बात की, दिस इज़ 482 grams डिवाइडेड बाई 241, सो अराउंड 241 grams रॉ मेजरमेंट एक चिकन ब्रेस्ट का है। तो एक आज के लिए, एक कल के लिए। ये जो चिकन है ये मैं यूजुअली मल्टीग्रेन में ऐसे बीच में डाल के मस्त श्रेड करके पेरी पेरी डाल के सैंडविच बना के खाता हूँ, सो टू ऑफ दोज। एंड एग सैंडविचेस के लिए भी इसकी ज़रूरत होगी। ग्रोसरी काफ़ी ख़त्म हो गई थी, मदर डेयरी दही पैकेट, आई नो कि मैंने लास्ट वीडियो में गलती से मॉडर्न डेयरी बोला था, सो 1 packet फॉर टुडे, 1 packet फॉर टुमारो। इसके अंदर मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड वे डालूँगा और एक मस्त डेजर्ट बनाऊँगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव सैलड, ये पापा यूजुअली खाते हैं। बाबा मी तुझे सैलड आणलाय। गाइस ये है मील नंबर 1, अभी 12:30 बज गए हैं। यूजुअली मैं मील 1 10:30-11 अपना ट्रेनिंग सेशन ख़त्म होने के बाद लेता हूँ, पर आज मैं और अवधूत थर्ड वेव कॉफ़ी में बैठ के थोड़ी सी बातें कर रहे थे रिगार्डिंग हिज यूट्यूब चैनल। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर हिम बाय द वे। मील की अगर बात की तो यहाँ पर है 100 grams मल्टीग्रेन ब्रेड और इसके अंदर 3 eggs का ऑमलेट है जो मैंने 2 gram बटर में कुक किया। ये 462 calories का मील है जिससे मुझे 26 grams of protein, 50 grams of carbs और 18 grams of fat मिल रहा है। मैं एक कीटो डाइट फॉलो नहीं करता, लो कार्ब, कार्निवोर, ये जो भी फैट डाइट्स है उनसे मैं हमेशा दूर रहता हूँ। मैं एक वेल बैलेंस डाइट फॉलो करता हूँ। आई फील लाइक कोई भी रिस्ट्रिक्टिव डाइट से बहुत सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज क्रिएट हो सकती है, इसीलिए मैं सारे फूड ग्रुप से जो भी न्यूट्रिशन मुझे मिल सकता है वो ऑब्टेन करने की कोशिश करता हूँ। पूरे दिन में एटलीस्ट 2 बार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करता हूँ। तो आप सब आज मील नंबर 2 और मील नंबर 5 में मैं कौन से फ्रूट्स और कौन सी सब्जियाँ खा रहा हूँ वो भी देखोगे। भैया ये पूरे दिन में एक ऐसा मील है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ, और कल रात के बाद मैं टेक्निकली अभी एम्प्टी स्टमक पे हूँ और एक अच्छा खासा वर्कआउट ख़त्म होने के बाद दिस मील रियली फील्स लाइक अ ट्रीट। सिर्फ उतना ही नहीं, इस मील के साथ मैं विटामिन D3 और अश्वगंधा के 2 capsules इन टोटल 1000 mg एंड विटामिन D3 ये लेता हूँ, और क्रिएटिन 5 grams पर डे इसके 2 scoops इस बॉटल में है टैंगी ऑरेंज फ्लेवर, और ये मैं 1 liter पानी के साथ इस मील के साथ कंज्यूम करूँगा। सो मील नंबर 1 और सारे सप्लीमेंट्स। ऑलराइट, हमारे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की पढ़ाई ख़त्म हो गई है। हम करने वाले हैं मील नंबर 2। यहाँ पर मेरे पास है थोड़ी सी भाकरी, मराठी में इसे बाजरा कहते हैं, हिंदी में आई थिंक इट्स कॉल्ड बाजरी। अगर आपको वेट लॉस, फैट लॉस करना है तो आपको होम फूड पूरी तरीके से गिव अप नहीं करना पड़ेगा। ऑल यू नीड टू नो इज कि आपके पेट के अंदर कितने कैलोरीज जा रहे हैं, इसीलिए ये जो भी बाजरी का आटा होता है, जो भी रॉ मटेरियल होता है, वो मैं हसीना दीदी को पहले ही निकाल के देता हूँ, और आज उन्होंने 75 grams बाजरी की भाकरी बनाई है। इस प्रेप के पहले मैं सारे मेजरमेंट्स कुक करने के बाद लेता था, बट दैट स्टार्टेड लीडिंग टू अ लॉट ऑफ इनएक्यूरेसी, और प्रेप में मुझे एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए, मुझे वो सारी कैलोरी इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट आर गोइंग इन माई स्टमक। इसीलिए इवन चपाती बनाते वक्त मैं हाईली एडवाइस करूंगा
कि अगर आप आटे को रॉ मेजर कर सकते हो तो वो काफी बेनिफिशियल होगा। तो 75 ग्राम्स बाजरे की आटे की भाकरी, वो टंग ट्विस्टर था। यहाँ पर मैंने बनाया है 2 पूरे अंडे की भुर्जी और प्लेट के इस साइड पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए वेजिटेबल्स, यहाँ पर है थोड़ा सा बैंगन का भरता, जहाँ पर थोड़ा सा ब्रिंजल और थोड़े से टमेटोज दिया है, और यहाँ पर है एक सैलड, इसे मराठी में कोशिंबीर कहते हैं। तो ये कैरेट और टमेटो की कोशिंबीर है, लुक्स वेरी डिलिशियस। इसकी जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी है वो काफी हाई है, सो स्पेशली ये कैलोरी डेफिसिट में मैं लो कैलोरी डेंस फूड आइटम्स चूज करता हूँ, यानी ऐसे फूड आइटम्स जो कम कैलोरीज में मेरे पेट को ज्यादा भरेंगे। एंड ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव मोर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बाबा भरीत मस्त झालंय, एक नंबर। पढ़ाई खत्म हो गई है, वीडियो एडिटिंग सो फार खत्म हो गया, अभी हमें नीचे कार्डियो करने के लिए जाना है, पर उसके पहले हम मील नंबर 3 कर लेते हैं। ओह कांट फॉरगेट, दरवाजे हम शाम को यूजुअली बंद करते हैं ताकि मच्छर ना आए। और मेरे पिछले वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि हमारे घर पे इस किचन के टाइल के ऊपर हमेशा दूध और दही के पैकेट्स, यानी ये चिपके हुए क्यों रहते हैं। हमारे घर पे जो भी दूध और दही के पैकेट्स होते हैं वो इस्तेमाल करने के बाद हम उन्हें धोते हैं, इसीलिए ताकि धोने के बाद हम घर का सारा प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए दे सके। यहाँ हमारे किचन के साइड वाले ड्राई बालकनी में एक बकेट होती है जहाँ पर पूरे घर का प्लास्टिक वेस्ट कलेक्टेड होता है। सो वी आर इन टू रिसाइकलिंग, दैट इज़ द रीज़न कि आपको हमेशा वहाँ पर प्लास्टिक के पैकेट्स दिखाई देते हैं। सो मील नंबर 3 एक्चुअली काफ़ी डिलिशियस है। यहाँ पर इस बड़े बोल में 400 ग्राम दही है जिसके अंदर हम आधा स्कूप वे प्रोटीन डालेंगे। अब कुछ लोगों को चॉकलेट फ्लेवर्ड वे दही के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, फॉर एग्जांपल अवधूत, उसे ट्रिपल चॉकलेट वे और दही का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मुझे हमेशा दही के अंदर थोड़े से ज़्यादा फ्रूटी फ्लेवर्स पसंद है, बिकॉज मैं बचपन में बहुत योगर्ट खाता था। डैनॉन का एक नीले पाउच में योगर्ट आता था, ब्लूबेरी फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो मैं उसे रेप्लिकेट करने की काइंड ऑफ कोशिश करता हूँ इन अ स्लाइटली हाई प्रोटीन वे। सो अगर आप अपने फेवरेट डिशेस को एक लो कैलोरी हेल्दी अल्टरनेटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, आई फील लाइक आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दैट इज़ हाफ स्कूप वे, अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और दही की अगर बात आती है तो चितये और मदर डेयरी, ये दो ब्रांड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट मदर डेयरी थोड़ा सा ज़्यादा क्रीमी है टेक्सचर वाइज, चितये दही कभी कभी थोड़ा अम्बट आता है, अम्बट को क्या कहते हैं, सावर, खट्टा दही रहता है कभी कभी। मदर डेयरी के साथ मेरा बुरा एक्सपीरियंस ऐसा कभी नहीं हुआ है, इट टेस्ट स्वीट। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मील मैं यूजुअली रात को सोने के जस्ट पहले कंज्यूम करता हूँ, क्योंकि ये डेजर्ट से सबसे ज़्यादा क्लोज चीज़ है, और अगर मैं रात को ऐसा टेस्टी डेजर्ट खाऊंगा तो शांति से नींद आती है। पर आज मुझे ये मील अभी खाने का मन किया। मील नंबर 5 कंपैरेटिवली थोड़ा सा हैवी है, वैसे देखा इन द बिग पिक्चर आपकी मील ऑर्डर, मील फ्रीक्वेंसी ये इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, एज लॉन्ग एज एट द एंड ऑफ द डे आप टोटल कैलोरी सेम खा रहे हो। सो जस्ट बिकॉज ये मैं 10 बजे के बजाय अभी खा रहा हूँ, और अभी जो मील खाने वाला था वो रात को खाऊंगा, उससे मैं अचानक से कल मोटा नहीं बनने वाला हूँ। जस्ट बिकॉज आई विल हैव कार्ब्स एट नाइट डजंट मीन आई विल पुट ऑन बॉडी फैट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं तभी भी एक कैलोरी डेफिसिट में हूँ। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, इतादाकिमास। सच्ची में योगर्ट लगता है। मैं यहाँ पर शूज पहन के, जैकेट वैकेट हुडी पहन के नीचे आ गया हूँ, और आई डोंट थिंक अब बारिश गिरेगी, विच इज़ अ गुड थिंग, पर यहाँ पर बारिश का जो भी aftermath है, सारे puddles, greenery, and it's cold, I'm not gonna lie। हम जब December last week में दिल्ली गए थे, उस टाइम की जो दिल्ली वाली नॉर्थ इंडिया की सर्दी थी, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि वैसा है। शुड बी मे बी 10 degrees right now, I think 10 या 11, अगर उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली बारिश की वजह से टेम्परेचर फील्स लाइक इट्स 10। पर पर्सनली आई फील कि पुणे के विंटर्स से यही चीज़ मिसिंग थी, इवन दिसंबर में जब यहाँ पर
टेक्निकली पीक विंटर होता है, तब भी ऐसे ठंडी नहीं बजे कि हुडी के बिना बाहर नहीं निकल सकते। एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट वेरी ब्यूटिफुल राइट नाउ। तो आज पूरे दिन में हमारे सिर्फ 2000 स्टेप्स हुए हैं, वी हैव 15,000 स्टेप्स टू गो। इसीलिए अब हम 2 घंटे 20 मिनट के लिए नीचे चलेंगे और हमारे स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। एंड द नेक्स्ट टाइम आई विल चेक इन विद यू गाइज विल बी जब पूरा अंधेरा हो जाएगा एंड आफ्टर द सनसेट्स। यप, 2.5 घंटे चलने के बाद हमारे 18,000 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। भूख लगनी चालू हुई है, बट काफ़ी अच्छा वॉक था। एंड्रू ह्यूबरमैन और डेविड गॉगिंस का जो पॉडकास्ट आया है, आई लिसन टू द एंटायर थिंग व्हाइल वॉकिंग, तो वो था आज का कार्डियो एंटरटेनमेंट। क्वाइट हंग्री, माय गॉड दैट वाज अ लॉन्ग वॉक। सनसेट होके भी अभी टाइम हुआ है, अभी मुझे भूख लगना काफ़ी इंटेंसली चालू हुई है। यहाँ पर है मील नंबर 4, एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है। 241 grams रॉ चिकन ब्रेस्ट और 100 grams मल्टीग्रेन टोस्ट के मैंने ऐसे 2 सैंडविचेस बनाए हैं। यहाँ पर मैंने जो भी चिकन है वो बॉईल किया है कुकर के अंदर, ताकि ऑयल में और चिकन को फ्राई करने के चक्कर में कोई कैलोरीज खर्च ना हो। सेकेंडली, बॉईल करते समय मैंने बहुत सारा नमक और बहुत सारी हल्दी, ये 2 चीज़ें डाल दिया, नमक फॉर सोडियम, हल्दी फॉर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। सो ये है मील, और इसके साथ मैं कंज्यूम करूंगा 2 फिश ऑयल, 2 मल्टीविटामिन कैप्सूल्स हेल्थ पर्पसेस के लिए, एंड टू मेक श्योर कि अगर इन केस मुझे फूड के थ्रू कुछ नहीं मिल रहा तो मेरे बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसीज क्रिएट नहीं होते। इस मील से मुझे 503 कैलोरीज मिल रहा है, 47 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, जस्ट 4 ग्राम्स ऑफ फैट एंड 82.7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो ये प्रोबेबली मेरे पूरे दिन का सबसे हाई प्रोटीन मील है। ओके, 10:45 PM, लास्ट मील। मुझे पर्सनली लास्ट मील थोड़ा सा लेट खाना ज़्यादा पसंद है, बिकॉज आई गेट द हंग्रीएस्ट लेटर एट नाइट, और मुझे रात को एक ऐसे स्टेट में सोना पसंद नहीं है जहाँ पर मेरा पेट थोड़ा सा खाली रहता है, क्योंकि अगर मेरा पेट खाली है इसका मतलब मैं एक स्लाइटली फास्टेड स्टेट में हूँ, पता नहीं क्यों, पर उससे मेरा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। इसीलिए सोने के जस्ट पहले कोई अच्छे कार्ब्स खाने के बाद मुझे थोड़ी सी सुस्ती आती है, इट हेल्प्स मी रिलैक्स। और अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो मैंने ये बात एक पॉडकास्ट में सुनी थी कि कार्ब्स खाने से आपकी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है। सो दैट इज अ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपका फाइट और फ्लाइट एकदम ब्रेन एक्टिव स्टेट होता है, जहां पर आपकी बॉडी में बहुत एड्रेनलिन सिक्रीट होता है। एंड देन देयर इज द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जहां पर आप थोड़ा ईज ऑफ करते हो, रिलैक्स करते हो एंड यू वाइंड डाउन। सो आज के आखिरी मील के लिए हमारे पास है 80 grams oats, जिसके अंदर मैंने 1 scoop whey प्रोटीन डाला है, और बॉटम में अपना फ्रूट इंटेक कंप्लीट करने के लिए मैंने 50 calories वर्थ बनाना और 50 calories वर्थ स्ट्रॉबेरी ऐड किया है। स्ट्रॉबेरी इज वन ऑफ द मोस्ट लो कैलोरी फ्रूट्स अवेलेबल, तो अगर आपने अपने डाइट में स्ट्रॉबेरीज इंक्लूड करना ट्राई नहीं किया है, डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। कम कैलोरीज में स्ट्रॉबेरीज एक बहुत ही यूनिक सावर फ्लेवर ऐड करते हैं, एंड नंबर 2, दे प्रोवाइड वॉल्यूम टू योर मील्स। सो हाँ, आज का आखिरी मील 499 calories, 36 grams ऑफ प्रोटीन, 78 grams ऑफ कार्ब्स, और पूरे दिन की अगर बात की तो हम 250 grams ऑफ कार्ब्स, 56 grams ऑफ फैट और 191 grams ऑफ प्रोटीन पे हैं, जस्ट अंडर 2200 calories। सो ये था एक नॉर्मल डे ऑफ ईटिंग मेरे जिंदगी में। मैं हर रोज एग्जैक्टली सेम मील्स नहीं खाता, पर मैं ये इंश्योर करता हूँ कि मैंने जो भी खाया है उसे मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एक लाइक छोड़ देना, दिल से पसंद आया किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। कीप ट्रेनिंग हार्ड, अगर आप भी मेरे साथ प्रेप कर रहे हो, ऑल द बेस्ट टू यू। यहाँ पर मैंने बैग भर दी है, कल सुबह 5 बजे हमें जिम जाना है, और जिम जाने के बाद हमें निकलना है मुंबई के लिए, इसीलिए मुंबई के जो भी कपड़े हैं वो मैंने इसके अंदर पैक किया है। ओनली थिंग लेफ्ट नाउ इज माई लैपटॉप और एक पावर बैंक। सी यू।